हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं आर्क मोबाइल। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे हमने इस आदिमानव को टेम किया था, और आज के इस एपिसोड में हम टेम करने वाले हैं अपना इस सीरीज का पहला फ्लायर पेट्राडोन, जो कि बहुत ही तेज उड़ता है। ग्रिफिन के बाद सबसे तेज उड़ने वाला फ्लायर है इस गेम का। और आज हम टेम करेंगे पेट्राडोन को, जो कि कम लेवल पर टेम करना सबसे अच्छा फ्लायर है कम लेवल वालों के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरे भाइयों। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। बहुत देर ढूंढा ढांडी के बाद मुझे फाइनली पेट्राडोन मिल चुका है 345 लेवल का। और अब हम जल्दी से इसको टेम करने के लिए पोला निकाल चुके हैं, और अब हम इसको पोला मार के ब्लॉक कर देंगे ताकि ये उड़ ना सके। उसके बाद हम निकालेंगे अपना क्रॉसबो और इसके हेड पे मारेंगे एक या दो तीर, और ये अनकॉन्शियस हो जाएगा आराम से, क्योंकि इसका टॉर्पर इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए ये बहुत ही कम एरोज में अनकॉन्शियस हो जाता है इजीली। अनकॉन्शियस हो चुका है ये, और हमारा लेवल अप आ चुका है, क्योंकि हम अपना आदिमानव लेके रेडवुड में इधर उधर तबाही मचाते रहते हैं, क्योंकि अपना आदिमानव बहुत ही खतरनाक स्टेट्स के साथ है, इसका कोई कुछ नहीं कर पाता। और ये यहाँ 30 लेवल के फालतू में डिस्टर्ब करने के लिए आसपास भटकते रहते हैं, जा तेरी मार का। अब जल्दी से चलते हैं पेट्राडोन की तरफ और देखते हैं इसके स्टेट्स, क्या स्टेट्स हैं इसके। 2600 की हेल्थ, 1700 स्टेमिना, मेले डैमेज 330 का, ठीक ठाक स्टेट्स हैं इसके। और टेम करने के बाद फिर से देखेंगे स्टेट्स क्या हो जाएंगे इसकी। ये देखो बीच में शांति से टेम करने भी नहीं देंगे, 40-45 लेवल के आके डिस्टर्ब कर रहे। रुक तो रुक, लेते जाइए ले। चूक गया मेरा निशाना और दूसरा निशाना पड़ा, और पेट्राडोन खत्म। जब ढूंढने निकला था हाई लेवल का, तब ऐसे ही 40-45-30 इन्होंने इतना परेशान किया मुझे, इतना परेशान किया, चारों तरफ पेट्राडोन रेडवुड में, और सारे लो लेवल के। बड़ी मुश्किल से बहुत देर बाद ये कहीं जाके हाई लेवल का पेट्राडोन मिला, बाकी तो 30-40 लेवल से ही काम चलाना पड़ रहा था। और अब हम चलते हैं इसके लिए फूड लेने, और अपने पास ये प्रोंटो खड़ा था, जो कि हमारे पेट्राडोन के लिए फूड का काम करेगा। इसको मैंने मार के इसमें से प्राइम मीट निकाल लिया है, और अब चलते हैं हम सीधा अपने पेट्राडोन की तरफ, क्योंकि अब इसको भूख लग गई होगी। और जल्दी से इसकी इन्वेंट्री खोली, और इसमें लगाया सूथिंग बाम, और अब डाला इसमें प्राइम मीट, और एक ही बार में ये 51.4% टेम हो चुका है। तो ये दो ही बार खाएगा और पूरा टेम हो जाएगा। और ये देखो फिर से आगे परेशान करने के लिए, तू भी ले, सबको मिलेगा प्रसाद। वो मरा नहीं है, कैरो में भाग गया। देख रहे हो कितने पेट्राडोन हैं जो यहाँ आसपास उड़ रहे हैं, और इनकी अगर कमी हो तो ये गेली भी आके बीच बीच में देख लो, एक तीर में जमा हो जाते हैं, फिर भी दौड़ते रहते हैं इधर से उधर। और जो मेरे पेट्राडोन के ऊपर गिर चुका है, अबे हट, हटना, हट नहीं रहा ये। अभी मैं इसको मारूंगा तो मेरे पेट्राडोन को लगेगी, पड़ा रहने दो इसको। तो गाइस, जब तक ये टेम होता है तब तक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एक मस्त प्यारा सा नाम कमेंट कर दो हमारे पेट्राडोन के लिए, जिसका भी नाम सबसे अच्छा होगा हम उसी का नाम रखेंगे। तो अब मिलते हैं सीधा इसके टेम होने के बाद।
तो गाइस अब ये जाके टेम होने वाला है और ये अपना पेट्राडॉन टेम हो चुका है, जो कि हमें मिला है 517 लेवल का। फिलहाल हम सबसे पहले इसको अनफॉलो करवा देते हैं और अब देखते हैं हम इसके स्टेट्स बढ़ के कितने हुए हैं। भाई साहब 4200 की हेल्थ, 2300 का स्टेमिना, 735 का मेले डैमेज और मूवमेंट स्पीड 136 की। बहुत ही अच्छे स्टेट्स हो चुके हैं हमारे पेट्राडॉन के। और जल्दी से चलते हैं और हम इसके लिए एक सेडल बना देते हैं ताकि हम इस पे बैठ के उड़ सकें, जिसके लिए हमने इसको टेम किया है। हमारा पहला फ्लायर इस सीरीज का पेट्राडॉन, वो भी 517 लेवल का, ये लगा इस सेडल। और अब हम चलते हैं हवाई सफर पे। कितना अच्छा लग रहा है उड़ना इस गेम में। और ये इसका सेकेंडरी अटैक, काफी अच्छा लगता है ये अटैक। तो आज के इस वीडियो में इतना ही मेरे भाइयों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।